खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया, जरा तस्वीर से तो निकल कर सामने आ मेरी महबूबा। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन मनीज फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिया। दोस्तों, ये कोई सिंगिंग शो नहीं है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफ्स की। कितनी अहमियत है ना इसकी हमारी जिंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी कुछ दोहराती नहीं है, हमें उसे जितना समेटना है फोटोग्राफ्स के थ्रू हम समेट सकते हैं अपनी सारी यादों को, है ना। तो इस प्रकार से फोटोग्राफ्स की जो अहमियत है हम सब जानते हैं, तो इतनी ही अहमियत फोटोग्राफी की भी है और फोटो स्टूडियो की भी है। हम बात करने वाले हैं फोटो स्टूडियो बिजनेस के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे ऐप को डाउनलोड। ऐप को आप हमारे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, फोटोग्राफी सीखने और करने वालों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। आज से कुछ साल पहले तक फोटोग्राफी बस एक शौक ही हुआ करती थी, पर प्रेजेंट में बहुत सारे लोग फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना करियर, अपना भविष्य बना रहे हैं। शादी हो, सालगिरह हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी शुभ अवसर, आपको भारत के किसी भी कोने में फोटोग्राफर्स जरूर मिलेंगे। क्योंकि भले ही आज एक से एक बढ़कर स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं जिनके कैमरे बहुत अच्छे हैं, पर जो तस्वीर और जो क्वालिटी हमें DSLR दे सकती है वो कोई और फोन नहीं दे सकता। तो अगर आप फोटो स्टूडियो व्यापार शुरू करने के बारे में कभी भी सोच रहे थे, तो आपको इस सवाल का जवाब अब मिलने वाला है कि क्या आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम सब रील्स देखते हैं, कितने खुश हो जाते हैं ना, बहुत सारे क्रिएटिव रील्स, लेकिन फिर हमें लगता है ये तो फोन से ही किया जा सकता है, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस फोन से किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आज भी प्रोफेशनल शूट्स जो होते हैं वो कैमरे से ही होते हैं, और यहाँ बहुत स्कोप है। लोग डिजिटली अब बहुत मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है कि फोटोग्राफी बिजनेस इंडिया में 30% तक इजाफा देने वाला है, और वो भी 3 साल के भीतर। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है इस बिजनेस को करने के लिए। शायद ये बात आप भी जानते होंगे कि भारत में अभी भी ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर एक अच्छा फोटो स्टूडियो है ही नहीं। फोटो स्टूडियो बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी शुरुआत कोई भी कर सकता है, फिर चाहे आप एक महिला हो या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास स्किल है तो आप बेफिक्र होकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फोटोग्राफी की बहुत सारी क्लासेस भी होती है, बहुत सारे लोग अभी भी क्लासेस लेते हैं और उसके बाद में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे याद है कि पटना बिहार में एक बार फ्लड आया था, उस वक्त एक फोटोग्राफर ने एक बहुत ही बेहतरीन फोटो क्लिक किया था जहाँ पर एक मॉडल जो है वो फ्लड में थी। बेसिकली वो फोटोग्राफ ये दर्शा रहा था कि पटना शहर की क्या हालत हो गई है फ्लड की वजह से, और उसे काफ़ी ख्याति भी मिली, बाद में जाकर उन्हें एक पुरस्कार भी मिला, और इस प्रकार से वो फोटो स्टूडियो बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आज उस फोटो स्टूडियो का नाम है मियाओ स्टूडियो और ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मैं इनका एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इन्हें मैंने आँखों के सामने बढ़ते हुए देखा है। जिस प्रकार से इन्होंने शुरू किया था वो बहुत ही छोटे स्तर से शुरू किया था, लेकिन आज ये लाखों में कमा रहे हैं। इन्हें ब्रांड्स जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं एंडोर्समेंट्स के लिए, इन्हें ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट के लिए कांटेक्ट करते हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो भी इन्हें कॉन्टैक्ट करती है कि आप हमारे अच्छे प्रोजेक्ट्स को भी दिखाएं। आपने फ्लड दिखाया था वो ठीक है, लेकिन हमारे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार से उनका बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा फल फूल गया। वेल, ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन एक और ऐसे मेंटर हैं जो कि आइकन्स ऑफ भारत शो में भी नजर आ चुके हैं। ये NDTV का एक शो है जिसे फ्रीडम ऐप ने प्रस्तुत किया है, आप उन्हें देखेंगे इस संडे। आपको बता दें कि उन्होंने जो शुरुआत की थी वो भी काफी छोटे स्तर से शुरुआत की थी, लेकिन बहुत ही पहले शुरू किया था उन्होंने, 1997 में इसकी शुरुआत की थी। आज 24 वर्ष हो चुके हैं उनके इस बिजनेस को करते हुए और कभी इनका बिजनेस डूबा नहीं है। सबसे बेहतरीन बात तो ये है, इनका नाम विजय गुप्ता है और इन्होंने लखनऊ में इसकी शुरुआत की थी। आज इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि NDTV जैसे शो में ये नजर आने वाले हैं। दोस्तों, ये तो NDTV की बात हो गई, लेकिन अगर आप खुद
इनसे जानना है कि आप भी कैसे शुरुआत कर सकते हैं और कभी भी आपको इस फील्ड में कोई प्रॉब्लम ना आए तो आपको देखना होगा हमारा शो, जो कि हमारा कोर्स है हमारे ऐप पर। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि आपको जो है इस ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इस कोर्स को देखेंगे जो कि हमारे लैंग्वेज में मौजूद है, और भी 6 लैंग्वेजेस हैं, तो आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इस कोर्स को पूरा देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए था जिसमें हम कपड़े जैसे पहन के जाए, रात को वैसे ही कपड़े पहन के आए, और हम इस हर चीज का यूज कर पाए, अपनी लाइफ का यूज कर पाए, और किराने के जैसे अगर हम करते तो हमारा कॉस्ट के हिसाब से हमें जनरल मर्चेंट का ही काम करना पड़ता, क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। तो उसमें क्या होता, हमेशा वही लोग जो रोज हमें वही मिलते हैं, वही जो अभी क्या होता फोटोग्राफी में, हमें हमेशा नए नए लोग मिलते हैं, नया को सीखने को मिलता है, और कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो शायद अपनों से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो इतना प्यार देते हैं। और पैसे तो सर चाहिए चाहिए होते हैं बिजनेस में, बगैर प्रॉफिट के तो कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता, बट हाँ ये बहुत साफ सुथरा बिजनेस है और ये मुझे इसको करने में बहुत इंजॉय होता है। देखिए शादियाँ तो होनी है, बाकी बिजनेस में तो पता नहीं क्या है, कभी फैशन चेंज होगा, कभी कुछ होगा, बट इसमें शादियाँ तो होनी है, बट टेक्नोलॉजी चेंज होती है, समय के साथ चलना पड़ता है, जो मार्केट में आ रहा है या आने वाला है आप उसको लीजिए, उसके साथ काम करिए, धीरे धीरे करके आपके बिजनेस आप मार्केट में आपका फेम हो जाएगा, आपके काम बढ़ जाएंगे, आप थोड़ा कमाने भी लगेंगे, ज़्यादा कमाने लगेंगे। तो यही है कि बाकी बिजनेस से तो ये बेटर है ही। देखिए प्रॉपर तरीके से करना है, अगर आपको स्टूडियो सेटअप डालना है, पूरा स्टूडियो करना है, तो फिर डिपेंड करता है आप कहाँ कर रहे हैं, कैसे एरिया में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5-6 लाख रुपए में आपका स्टार्ट हो जाता है, आप एक कैमरा लेके किसी के साथ लग सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका पैसा आता रहे आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। नहीं, फंड्स के लिए अब कंपनीज लोन दे रही हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं आपको लोन दे देती हैं, और आप कैमरा लेते हैं तो आपको वो फाइनेंस हो जाता है, बहुत बजाज फाइनेंस हो गया जैसे, या कुछ और भी हैं, तो उससे आप कैमरा ले सकते हैं, आप अपने किसी रिलेटिव से या किसी फादर से मदर से किसी से भी पैसा ले सकते हैं, अगर कुछ कम पड़ता तो आप लोन ले लीजिए, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लोन अगर आपके पास अपने पैसे हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप पे प्रेशर नहीं होता कि आपको पेमेंट करना है या आपकी इंस्टॉलमेंट जानी है। अब जैसे हम कोई लोन लेते हैं तो फिर हमारा हर महीने टेंशन हो जाता है कि मुझे देना ही देना है। हाँ, अगर हमारे पास कोई सोर्सेस नहीं है तो मुद्रा लोन, जैसे आजकल मुद्रा लोन बहुत चल गया है, बहुत आसानी से मिलता है, तो आप उसको ले सकते हैं। हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हम ऐसे प्रॉपर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, आप डिपेंड करता कि आपका क्लाइंट बेस कैसा है, आप कैसा काम कर सकते हैं, किस तरीके के लोगों में आपकी जान पहचान है, किस टाइप का आप एक, जैसे आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो स्टार्टिंग में चलिए ठीक है आपको बहुत लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन क्या होता है आपका काम अच्छा है तो आप अच्छे लोगों के साथ कभी ना कभी जुड़ जाते हैं, आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं तो आप अच्छी अच्छी वेडिंग्स करते हैं, नंबर वेडिंग्स ज़्यादा करते हैं तो आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाते हैं उससे। अगर हमारी लोकेशन अच्छी होती है तो हमें बिजनेस में रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी मिल जाता है, और जहाँ लोग आराम से आ सकें, अपनी थोड़ा प्राइम लोकेशन होती है तो उसकी वजह से अच्छे लोग आते हैं वहाँ पर, उनको अपना ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हो और लोग आराम से आ सकते हो, आपके साथ बैठ के अच्छे से बात कर सकते हो, क्योंकि जो भी बुकिंग कराने आता है उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, बहुत क्राउडी एरिया नहीं होना चाहिए इसमें, लेकिन थोड़ा पीसफुल होना चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड एरिया होना चाहिए जहाँ बहुत साफ सुथरा हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, थोड़ा ग्रीनरी हो, कुछ अच्छा फील हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग जो बिजनेस की थी मैंने ओल्ड लखनऊ से की थी, तब हमें 5-7 साल बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिला, हमने अपने आप को सिर्फ थोड़ा सा जो भी कमा के जो अपने हमारे रनिंग खर्चे वो चल पा रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। जब मैंने कुछ भी किया तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से कर पाए, फिर मैंने क्या किया, मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम, मेरे पास देख सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है हम उस टाइम को सही जगह यूज़ नहीं करते तो हमें उतना बेनिफिट भी नहीं होता। तो मैंने क्या किया, फिर एक जगह और गए, फिर वहाँ से थोड़ा बेटर हुआ, लेकिन मुझे लगा कि ये भी मेरे लिए नहीं चाहिए तो मैं कहीं और गया, फिर मुझे लगा थोड़े दिन दो तीन साल स्पेंड किए मैंने गुजारे वहाँ पे, उसके बाद मैंने सोचा कहीं, मतलब मुझे लगा कि लखनऊ की जो प्राइम जगह हजरतगंज वो मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि मैं यहाँ चला जाऊँ तो शायद मैं ग्रो कर पाऊँगा, लेकिन फिर मुझे वो लकली मुझे वहाँ पे एक जगह मिल गई, उसमें अपने बिजनेस को वहाँ पे हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद मुझे काफ़ी ग्रोथ मिली, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये पूरा हर जगह से कवर हो जाता है, हर जगह के लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली भी
है, तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा हमारा जो कॉम्पिटिशन भी होता है थोड़ा अच्छे लोगों के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो काम कराता है उसको पेमेंट जो क्वालिटी के लिए आता है बंदा यहाँ पे काम कराने के लिए, जब बाकी अदर जगह क्या होता है वो सोचता है कि यार वो 50,000 का करे तो ये 40 वाला कर दे, ये 35 वाला कर दे, बस यहाँ लोगों को पैसे की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, काम अच्छा चाहिए होता है। आपको अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, आपने कर रखा है, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप जितनी अच्छी कला दिखाओगे उतना ही आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा, आपको जो है कभी कोई कमी नहीं होने वाली है पैसों के मामले में। आप जानना चाहते हैं कि ये बिजनेस अब कितना बड़ा होने वाला है, ये आने वाले 3 सालों में 2,900 करोड़ का बिजनेस बनने वाला है, तो इसमें आप भी भागीदार बन सकते हैं अगर आप इसकी शुरुआत करते हैं। आपका एक सवाल होगा इस बीच कि इतना इजी थोड़ी है, बिल्कुल इजी है, सेटअप भी आप बहुत ही छोटे से शुरू करके कर सकते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था और आज देखिए इनका एग्जाम्पल कहाँ नहीं दिया जा रहा। इन्होंने अपनी कहानी सुनाई NDTV के शो पे, जहाँ पर सभी लोग इनसे इम्प्रेस हो गए, इनकी कहानी से इम्प्रेस हो गए कि कैसे इन्होंने सोचा कि अपने पांव पर खड़े होना है और अपने इस अनोखी कला को लोगों को दिखाना है और उनकी तस्वीरें जो हैं इस तरह से उतारनी है कि सभी के सभी बस स्तब्ध रह जाए। ऐसा ही कुछ इन्होंने किया और आज ये एक सक्सेसफुल फोटो स्टूडियो बिजनेस लखनऊ में चला रहे हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे ये कह रही हूँ कि आपको कभी कोई कमी नहीं होने वाला, क्या आप शादी नहीं करोगे, क्या आपका बर्थडे नहीं आएगा, क्या आपकी फैमिली में किसी की शादी नहीं होगी, क्या आपके दोस्तों की शादी नहीं होगी, या फिर कोई और फंक्शन आपके घरों में नहीं होने वाला? क्यों नहीं, बस यहीं से नेटवर्किंग आप स्टार्ट करोगे और फिर आप देखोगे कि किस प्रकार से आपको ऑर्डर्स पर ऑर्डर आ रहे हैं, यानी कि आपका जो है टाइम फुल स्लॉट जो है वो बुक हो जाने वाला है। तो अब मैं बात कर रही थी कोर्स की कि ये आपको क्या सिखाएंगे, ये आपको फोटोग्राफी करना नहीं सिखाएंगे, ये आपको सिखाएंगे फोटोग्राफी बिजनेस करना, फोटो स्टूडियो बिजनेस कैसे सेटअप करना है, कैसे लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी और कैसे उसे डिजाइन करना है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, फिर अपने जो ब्रांड है उसकी मार्केटिंग कैसे करें, ये सब कुछ आपको ये सिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आपको अभी के अभी सोच लेना है कि आप भी ये बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इनसे खुद समझ लीजिएगा, इनका वीडियो देखिए, इनका ये पूरा कोर्स देखिए, उसके बाद आप अपना कमेंट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और फिर हमें बताइए कि क्या ये सच में यूजफुल था कि नहीं। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो से ले रही हूँ विदा, आपसे मिलूंगी जल्द ही अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सभी वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।